हेलो किड्स आज हम करेंगे अपना एरिया के कल अपने एरिया पढ़ा था आई होप आपको एरिया अच्छे समझ में आ होगा और मैंने आपको दो फॉर्मूलेज यह लर्न करने के लिए देता है एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ ये रहे लेंथ और ब्रेथ के फार्मूले फिर एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ साइड इंटू साइड दिट इज साइड स्क्वायर ठीक है अब हम करेंगे इनके एग्जाम्पल्स और फिर आपको 14.3 आपको ट्राई करनी है घर पे और फिर मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हुए हम एक वीडियो भी बनाएंगे ठीक है वो आपको देखना है और फिर आप अपनी कॉपी में नोटबुक अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो करते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर वन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हु साइड्स आर सिक्स सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर एरिया निकालना रेटा एंगल का जिससे सिक्स सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और फोर सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है तो एरिया क्या होता है लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ तो यहाँ लेंथ एल सिक्स है और ब्रेथ फोर है तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर ठीक है एक बार ये देखो थ्री मीटर एंड एटी सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट्स देखो मीटर और सेंटीमीटर तो हम एक यूनिट करते हैं तो एक यूनिट ही हम मानते हैं तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कर लो मैं मीटर को सेंटीमीटर में करूंगी क्योंकि इसके लिए मेरे पास इंटू हंड्रेड करना होगा तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो थ्री इंटू हंड्रेड विच इस थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर एटी सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और आपको एरिया निकालना है तो थ्री हंड्रेड इंटू तो हो जाएगा ठीक है फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर अब इसमें स्क्वायर बोला है एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड विच जैसे साइड स्क्वायर तो ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाता है वन फोर्टी फोर ठीक है ऐसे करके आपको दे रखी हम इसमें आप इसमें आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है बट हाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है उसकी एरिया की यूनिट तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे ये स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एम एम इसमें ये ध्यान रखना है आपको ठीक है नेक्स्ट है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ ट्वेंटी मीटर एंड इट्स एरिया इज़ टू हंड्रेड इट हम बोला है कि हमारे पास रेक्टेंगल है हमें ब्रे, ब्रेथ निकालनी है एक उस रेक्टेंगल की जिसकी लेंथ है ट्वेंटी मीटर लेंथ तो है ट्वेंटी मीटर और जो एरिया है वो मेरा टू हंड्रेड स्क्वायर मीटर है तो ब्रेथ का फार्मूला क्या होता है एरिया अपॉन में लेंथ तो मैं ब्रेथ इज़ इक्वल्स टू एरिया अपॉन में लेंथ तो एरिया हमारा टू हंड्रेड स्क्वायर मीटर था और ये मेरे पास ट्वेंटी मीटर है तो ये आ गया मेरे पास टेन मीटर ये मेरी ब्रेथ आएगी हाँ। ठीक है आंसर टेन मीटर नेक्स्ट है वॉट इज द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स हंड्रेड मीटर एंड एट्टी मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इज ट्वेंटी पर मीटर पर स्क्वायर मीटर अब देखो हमने पैरामीटर में कॉस्ट से करे थे तो इसमें भी वही हो जाएगा तो बट इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जो आप ये देख लो एक तो डायमेंशन देख रहा करो रेक्टेंगुलर है मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखे हैं तो फिर एरिया हम रेक्टेंगल का निकालेंगे ठीक है और हम इसमें एरिया निकालेंगे या फिर पेरीमीटर निकालेंगे इसका एक सिंपल ट्रिक ये है कि अगर मैं रेट देख लो रेट हमें दे रखी है ट्वेंटी पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर दे दिया मतलब एरिया अगर सिंपल ट्वेंटी पर मीटर देता तो ए पेरीमीटर हो जाता ठीक है और थोड़ा सा इससे भी करना करना प्लोइंग का रेक्टेंगुलर फील्ड है प्लो करेंगे तो पूरी फील्ड को करेंगे सिर्फ बाउंड्री को तो प्लो करेंगे नहीं इसलिए एरिया निकलेगा ठीक है तो इसमें भी वही होता है कॉस्ट का फॉर्मूला वही होता है हमारे पास रेट इंटू में एरिया हो जाता है हमारे पास पैरीमीटर घिस बस एरिया आ जाता है ठीक है तो पहले तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लेंगे हंड्रेड और एट्टी मीटर है दोनों मीटर्स में है तो 100 इंटू एट्टी आ जाएगा 8000 थाउजेंड हाँ बस एट थाउजेंड स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया अब उसने बोला है एक मीटर ट्वेंटी का है ठीक है एक एक मीटर स्क्वायर हमारे पास ट्वेंटी का है तो हमारे पास एट थाउजेंड मीटर स्क्वायर का है पूरा तो उसके लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा वही रेट इन रेट इन टू एरिया तो विच इज़ हमारे पास आएगा ये सिक्सटीन थाउजेंड सॉरी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड मेरे पास आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार पेंटिंग अस रूम ट्वेल्व मीटर लॉन्ग एंड नाइन मीटर वाइड एट द रेट ऑफ एट्टी फाइव पर स्क्वायर मीटर सेम क्वेश्चन है जैसे पहले का लेंथ ब्रेथ दे रखी है एरिया एरिया निकाला उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो हमारी कॉस्ट आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट है द फ्लोर ऑफ अ बाथरूम इज़ फोर मीटर लॉन्ग एंड थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर वाइड फ्लोर है जिसकी लेंथ तो है फोर मीटर और इसमें वाइड मतलब ब्रेथ हमारी दे रखी है थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर तो इसको हम या तो आप तो मीटर में कर लो पूरा या इसको पूरा सेंटीमीटर में कर लो तो अगर आप मीटर में सेंटीमीटर में कर रहे हो तो ये भी सेंटीमीटर में करोगे तो सेंटीमीटर इसमें ज़्यादा ईज हो जाएगा नहीं तो अगर आप इसको करोगे तो पॉइंट में हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव करके कुछ ऐसे तो ये आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में कर लो पहले मीटर को सेंट ये तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं थ्री मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर पहले तो फिर प्लस में 50 सेंटीमीटर विच इज़ 350 सेंटीमीटर ठीक है और आपको 4 मीटर दे रखा है इसको भी सेंटीमीटर में कर लो 400 सेंटीमीटर फिर आता है इट इज़ टू बी कवर्ड कम्प्लीटली बाय द स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एक फ्लोर है हमारे पास आ, ये देखो ये देखो हमारे पास ये फ्लोर है जिसका हमें दे रखा है फोर्टी हंड्रेड मीटर इसकी लेंथ दे रखी है और ये हमारे पास 350 मीटर दे रखी है अब इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगेंगे इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगेंगे जिसकी साइड ट्वेंटी इसके अंदर हम ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे इस फ्लोर को हमें टाइल्स टाइल्स लगानी है इसके अंदर और एक जो टो ये टाइल है ये जो टाइल है ये हमारी इसकी जो साइड है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर है ट्वेंटी सेंटीमीटर हाँ ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं तो ट्वेंटी अपॉन में हंड्रेड मीटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू मीटर ये हमारी क्योंकि हम एक ही यूनिट लेते हैं हर जगह फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट फाइव पर मीटर हमें टाइल्स की कॉस्ट निकालनी फ़ाइव पर मीटर अब टाइल्स की तो तब निकालेंगे जब हमें पता होगा नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी है। ठीक है यही तो अगर हमें एक टाइल की हमें फाइव पर मीटर दे रखा है हम पाँच रुपये दे रहे हैं एक टाइल के तो जितनी टाइल्स होंगी उसके क्या कॉस्ट देंगे तो पहले उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स पता होनी चाहिए पहले तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए सबसे एक ईजी फॉर्मूला है कोई भी नंबर निकालना होता है किसी भी चीज़ का तो जो बड़ा वाला फिगर है जिस जो जिसके अंदर आपको सेटल करना है यानी कि जो ये रेक्टेंगुलर आ जाएगा इस इस केस में तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर अपॉन जो फ्लोर जिस जो क्या लगाना है उसके अंदर वो आ जाता था मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इसके इसमें देखो यहाँ पे भी आई है एरिया ऑफ़ द बाथरूम अपॉन में एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल हम पूरे बाथरूम में पूरे बड़े एरिया के अंदर अपॉन में क्या छोटे छोटे लगाना है वो स्क्वायर टाइल यही तो होता है नंबर इसको देखो शॉर्ट में अगर मैं समझाऊँ तो देखो ये हमारा ये फ्लोर है अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पंद्रह टाइल हैं और जो इसका एरिया एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है टेन सेंट टेन मीटर एक एरिया कर रही है तो पूरा फ्लोर कितना लेता होगा तो एक स्क्वायर कितना ले रहा है टेन मीटर तो पंद्रह कितना ले रहे हैं क्योंकि पूर्व में पंद्रह टाइल फिक्स हो रही हैं तो पंद्रह हज़ार पंद्रह वन फिफ्टी मीटर तो वन फिफ्टी मीटर ही इसकी हमारे पास वो आ जाएगी साइड ठीक है ऐसे करके हो जाएगा तो अब इसको निकाल लेंगे नंबर ऑफ निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स निकालोगे ना तो ये इसमें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकाल लो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना हो जाएगा 350 फिफ्टी इंटू और एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 0.2 पॉइंट टू इंटू ज़ीरो पॉइंट टू इसको खोल सकते हो जीरो मतलब वन पॉइंट फाइव लिख दो इसको नहीं तो आप ख़ुद ही ऐसे कर लो वन पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा 350 फ़िफ्टी इंटू फोर हंड्रेड इंटू फाइव इंटू फाइव तो ये आपका जितना भी आएगा उतना हमारा आंसर होगा नहीं वेट हमने यहाँ पे मीटर में कर दी सेंटीमीटर था पहले से तो सेंटीमीटर में तो लिए हमने सारी यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर में लिए ना तो यहाँ सेंटीमीटर में हो जाएगा सब कुछ तो यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट टू नी सिंपल ट्वेंटी होगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी ये आएगा आपका ठीक है आप इसको कट शॉर्ट कर लेना ये फोर हंड्रेड हो गया ये फोर हंड्रेड से कैंसल तो ये हो गया थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी टाइल्स हो गई अब एक टाइल फाइव रुपये में है तो थ्री फिफ्टी टाइल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी तो थ्री फिफ्टी इंटू में फाइव विच इज़ वन सेवन फाइव ज़ीरो रुपीज़ ठीक है ये हमारा क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल एट टेन पर मीटर इज थाउजेंड कॉस्ट दे दी टोटल की तो वही फॉम तो फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इन टू एरिया एरिया क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे पर मीट, पर स्क्वायर मीटर दे रखा है और हमने पेंट करी मतलब पूरे पे करा होगा पेंट तो कॉस्ट हमें दे रखी है थाउजेंड रेट दे रखा है टेन मीटर एरिया तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा विच इज़ हंड्रेड मीटर स्क्वायर स्क्वायर मीटर ठीक है हंड्रेड स्क्वायर मीटर मेरे पास एरिया आ गया फाइंड द ब्रेथ ऑफ द वॉल इफ द लेंथ इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अब ये सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करने की जरूरत नहीं है उसको ब्रेथ को हम जो लेंथ है उसको हम मीटर में कर लेंगे ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो ब्रेथ uh, का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अपॉन में लेंथ तो ये हो जाएगा हंड्रेड अपॉन में ट्वेंटी अपॉन में हंड्रेड क्योंकि हम उस सेंटीमीटर में उसको मीटर में कर देना है तो ये हो जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी तो यह कट छोट करके आपका आंसर आ जाएगा फाइव हंड्रेड मीटर ठीक है आप चाहते हो तो इसको आपकी बुक में इसमें आपको मीटर को सेंटीमीटर में नहीं कर रखा है बट होना चाहिए क्योंकि एक ही यूनिट से करते हैं इसलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर्स एंड फाइंड देयर एरियाज तो इसमें पहले वो करना है देखो पहले फिगर बना लेते हैं एच बना रखा है एक ठीक है मेरा थोड़ा वैसे बना है बट काम चला हुआ है टू एट टू ठीक है तो यहाँ फिगर हो गया अब इसमें बोला है कि हमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में इनको आ, पूरे को हमें डिवाइड करके इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है बेसिकली तो जैसा हमने कल जो हमने ये करे थे तो कल नहीं करा था हमने देखो तो क्या करेंगे पहले हम यहाँ से ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया इसको ड्रॉ कर दो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया और ये ये एक रेक्टेंगल मेरे पास बन चुका है यहाँ पे तो तीन रेक्टेंगल है एरिया निकालना है तो ये तो एट है रेक्टेंगल है तो ये भी लेंथ है इसकी तो ये भी एट हो जाएगी ये टू है टू है तो इस बार ये फर्स्ट पार्ट दे दो ये सेकेंड दे दो ये थर्ड दे दो ठीक है तो फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज एट इंटू टू उसका हो गया सिक्सटीन प्लस सेकेंड वाले का देखो ये भी लेंथ ये भी लेंथ एट टू टू इसकी ब्रेथ आ गई तो एरिया लेंथ इन टू ब्रेथ होगा इसका भी तो एट इंटू टू विच इज सिक्सटीन ठीक है अब हमें निकालना है सेकेंड फिगर का तो सेकेंड फिगर में ये ये थ्री है ये थ्री है बट हमें यहाँ की ब्रेथ नहीं पता कि ये कितना है तो इसके लिए ये देखो ये एट है इतना थ्री है इतना थ्री है इतना निकालना है तो टोटल है ये हमारे पास एट ये वाला पार्ट थ्री है ये वाला पार्ट भी थ्री है तो ये वाला क्या होगा एट माइनस तो जो इतना सा पार्ट है ये क्या होगा एट माइनस थ्री प्लस थ्री तो एट माइनस सिक्स विच इज़ टू तो टू आ गया ये तो यह आगे ये कितना हो जाएगा थ्री लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ थ्री इंटू टू विच इज़ सिक्स तो इन सबको प्लस कर दो थर्टी टू प्लस सिक्स थर्टी एट सेंट यूनिट लिख लो थर्टी एट स्क्वायर यूनिट ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा ऐसे ही आपको कोई सेकेंड वाला पार्ट करना है इसमें सारे आपको स्क्वायर बनेंगे क्योंकि ये सब आपको आ, एक ही साइड है सबकी तो ये स्क्वायर फाइव फाइव स्क्वायर आ जाएंगे सीधे सीधे तो आप इसमें एक सिंपल सा लगा सकते हो फाइव इंटू फोर इंटू फोर ये एरिया और ऐसे सेम फाइव है तो इसलिए हमने इनको फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हो, हमारे पास एट्टी एट्टी स्क्वायर यूनिट ठीक है यहीं पे आके हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं अब आपको एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री ट्राई करनी है हम इसकी वीडियो बनाएंगे जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है तो वेल एंड गुड है आप एम कर सकते हो आगे उसके बाद और यहीं पर आके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा तो गो थ्रू द वीडियो कुछ समझना है डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो एंड थैंक यू सो मच